हे गाइज वेलकम टू मोटरॉक टेन क्या हाल चाल है आपके दोस्तों ये एक वो गाड़ी है जिसे हमारा भारत पूरा प्यार देता है एंड इसके सेल्स नंबर्स उसकी कहानी डेफिनेटली बताते हैं आई मीन आपने इसे कितनी मूवीज में भी देखा होगा आई थिंक दबंग लिस्ट लिस्ट बहुत लंबी है मूवीज की तो ये महिंद्रा बुलेरो इतनी फेमस है लोगों को पसंद आती है आई I मीन mean, अगर आप रूरल इंडिया की ड्राइविंग देख लो जहाँ पे एक रास्ते नहीं है वहाँ पे बुलेरो है पहले सूमो थी ऐसे बहुत सारी लिमिटेड गाड़ियाँ हैं जो हमारे खराब रास्ते जो है जहाँ रास्ते नहीं हैं उनके लिए बनाए जाते हैं और उनमें से एक है तो आज हम बात करने वाले हैं इसी गाड़ी के बारे में जिसका डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी क्या फीचर्स ऑफर करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में इन डिटेल शुरू करते हैं विद द डिटेलिंग पहली चीज़ अगर आप नोटिस करोगे इस गाड़ी का तो वो है कि इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो पूरी तरह बदल दिया गया है और यहाँ पर हेडलैम्प में भी कुछ बदलाव लाए गए हैं जो पहले नहीं थे तो अगर आप बोलेरो नियो भी देखा है आपने तो उसमें भी यही टिपिकल लाइन जो है वो कैरी फॉरवर्ड की गई है अब बोलेरो की एक और एक ख़ासियत ये है कि उसका जो बॉनेट है ना वो एकदम फ्लैट रहता है एकदम फ्लैट देख रहे हो एकदम फ्लैट इससे फ़ायदा क्या होगा जब आप गाड़ी चला रहे हो तब आपको पूरा एज दिखेगा एच भी देखेगा वो एच भी देखेगा यानी कि आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको काफी आसानी होगी इसे चलाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसे चलाने के लिए वहीं पे जब हम इस गाड़ी के साइड की तरफ जाएंगे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं जब ओरिजिनल बोलेरो आई थी वैसे ही रिटेन किए हुए हैं और लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद है बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले सबसे पहले यहाँ पे साइड में आके लोग जनरली बोलते हैं ना अरे एन कैप में फोर स्टार फाइव स्टार बोलेरो ना हर चीज जबरदस्त मजबूत चाहिए तो वो डीलरशिप में आके पहली चीज पता है है क्या देखता मजबूत कैसी है गाड़ी उसके लिए क्या करता है वो ऐसा मारता है ऐसा मारता है और यहाँ पे भी ऐसा मारता है सच में मजाक नहीं कर रहा हूं ये एक बोलेरो बायर टेस्ट करता है तो बोलेरो अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है और उसके जो कस्टमर है जो बायर है उस गाड़ी के उनको अभी भी वो गाड़ी में बहुत मज़ा आता है जब वो उसे देखते हो एक अलग ही बोलते हैं ना प्यार है वो आपको इसमें दिखाई देगा अगर हम इसका टायर देखते हैं यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको काफ़ी ज़्यादा हाइट यहाँ दी हुई है इसका मेन रीज़न मुख्य कारण ये है कि ये खराब रस्तों पे भी चल सके इसको व्हील भी नहीं आता है क्योंकि इसको बजट फ्रेंडली बनाना है सो एट द एंड ऑफ द डे एक तो uh, बजट फ्रेंडली के साथ साथ दूसरा रीज़न क्या है कि बोलेरो ओनर्स इस गाड़ी को जिस तरीके से चलाते हैं वहाँ पे अलॉय व्हील थोड़ा मुश्किल हो सकता है टिकना बट ये दो रीज़न मैं समझ के आपको बता रहा हूँ अगर आप पीछे आते हैं आप नोटिस करोगे कि डिज़ाइन बहुत सिंपल है और बोलेरो की जो टिपिकल डिज़ाइन दिया हुआ है टायर फिनिश टायर के ऊपर कवर का वो वैसे ही बरकरार है अगर मैं डोर हैंडल खोल के दिखाऊँ तो वही पुराने स्टाइल का है देख लीजिए पूरा खुलता है इतना और यहाँ से चढ़ने उतरने के लिए भी आपके पास स्टेप दिया हुआ है तो इसके लिए आपको सिर्फ पैर यहाँ रखना है और आप गाड़ी के अंदर आराम से चढ़ सकते हो और अंदर भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है तो सेवन सीटर गाड़ी है पीछे आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है नीरू मेरे ख्याल से दो लोग मुझ जैसे बैठे तो थोड़ा टाइट हो सकता है बट फिर भी दो जने बैठ के जा सकते थोड़े शॉर्ट ट्रिप पे हेडरूम भी ठीक ठाक है ऐसे कोई कमी नहीं है स्पेस की तो चल जाएगा एट द बैक सीट मोर ओवर अगर आप बैक सीट नहीं इस्तेमाल कर रहे हो इस गाड़ी की तो आप इसे फोल्ड भी करके रख सकते हैं काफ़ी आसानी से तो इसे आप यहाँ से डाल के बस आपको इसको पैक करना है तो ये हो गई पैक यहाँ पे और ये सीट ऐसे लॉक हो गई तो आप इसमें सामान डाल के भी ले जा सकते हैं जरूरी नहीं है आपको इसे सेवन सीटर की तरह ही इस्तेमाल करने आप इसमें सामान भर के भी जा सकते अब चले सेकेंड रो में और अगर मैं सेकेंड रो में आ जाऊं तो यहाँ पे तीन लोगों के बैठने का जगह है तीन लोग बैठ के जा सकते हैं दो जा रहे तो आमरेस भी है पहले बोले रोज में आमरेस नहीं आता था पर अब इसमें आमरेस भी आ जाता है तो तीन लोग यहाँ बैठ के जा सकते हैं अच्छे खासे आराम से जगह हेडरूम अच्छी है नी रूम ठीक है बट छः फीट के लोग आगे पीछे दोनों तरफ बैठ सकते हैं तो आराम से बैठ के जाने को है पीछे अब पावर विंडोज़ भी आ गए हैं जो पहले नहीं आते थे और स्टोरेज के लिए आपके पास यहाँ पे जगह दी गई है डोर पैड में जगह नहीं आती क्योंकि ये पुराना डिज़ाइन है गाड़ी का अब पीछे की तो बातें बहुत हो गई पीछे देख लीजिए यहाँ पे दो हेडरेस्ट भी है एक नहीं दो हेडरेस्ट आते हैं यहाँ पे आई I मीन mean, तीन नहीं दो एड्रेस आते हैं यहाँ पे अब फ्रंट सीट दिखाता हूँ पे आप आराम से चढ़ के बैठ सकते हैं जो बोलेरो का एक सिग्नेचर ट्रेडमार्क रहा है वो ये यह है कि यहाँ पे हाथ पकड़ने को आपको दिया हुआ है इन द कार और यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं छोटा सा आई डोंट नो यहाँ क्या बिठा सकते हैं आप बट कुछ छोटा सा डेफिनेटली बैठ जाएगा डोर में भी आपको यहाँ आगे स्टोरेज दी हुई है छोटी मोटी चीजें रखने को तो आप वो रख सकते हैं और यहाँ पे आपको और एक स्लॉट दिया हुआ है पानी की बॉटल रखने के लिए ग्लव uh, बॉक्स इसका बहुत बड़ा नहीं है डिसेंट इनफ है देख लीजिए तो शायद एक छोटी पानी की बॉटल बैठ जाए आपकी एंड दैट इज़ व्हाट इज देयर इन द स्टोरेज और यहाँ पे आपके पास थोड़ी स्टोरेज है तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं है काफ़ी सिंपल है इस गाड़ी का डैशबोर्ड ओवरऑल जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा इंटीरियर में क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर एंड म्यूज़िक सिस्टम इसका बेसिक है आपको टू डेन सिस्टम भी नहीं आता जो जनरली आफ्टर मार्केट सिस्टम कहते हैं वो टाइप का सिस्टम यहाँ मिलता है कैनवुड का ए सी कंट्रोल्स भी काफ़ी सिंपलिस्टिक दिए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं मिलती है यहाँ तक कि आपके जो पावर विंडो स्विचेज़ है वो भी यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं सो तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है अब डिज़ाइन जो है गाड़ी का अच्छा है बट थोड़ा ओल्ड स्कूल हो गया थोड़ा ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो गया है लेकिन लोगों को पसंद है तभी आज भी ये गाड़ी बहुत बिक रही है पर इस गाड़ी का मेन मजा पता है कहां आता है उसे चलाने में आता है तो चले गाड़ी चलाने लेट्स गो श्योर अगर आप इस गाड़ी की चाबी देखोगे तो लॉक अनलॉक और ये बीच का स्टार बटन है फॉर हॉर्न अब गाड़ी में इसको डाल दिया चाबी को ये गाड़ी स्टार्ट की पहली चीज आपको बता दूं इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है मैं जब बोल रहा हूँ इंसुलेशन तो ये सुनिए हॉर्न सुनिए हॉर्न सुनाई दे रहा है ठीक है अब हॉर्न सुनते हैं हैं कांच खोल देते हैं। काफी फर्क है तो इस गाड़ी का इंसुलेशन काफी अच्छा है इंजन नॉइज बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं है आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे और यहाँ पे आपको बेसिकली आपको रेंज आता है आपको ट्रिप आता है आपको फ्यूल एफिशिएंसी आती है क्यूल एफिशेंसी कम ही दिखाएगी क्योंकि गाड़ी शूट पे इस्तेमाल हुई है तो सिर्फ ऐसे ही इंजन चालू था जब हम शूट कर रहे थे इसको तो रेंज कम दिखाता है तो बट अभी भी साढ़े पाँच सौ किलोमीटर का इसका डिस्टेंस टू एम है तो ये चीज़ इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है कि आप जब ऊपर बैठते हैं यहाँ सीट पर तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि दूसरी गाड़ियाँ जो रहती है ना जो भी सारी गाड़ियाँ रहती है उसमें बॉनेट भी अगर दिखता ना तो वो ये लेवल पर रहता है ये इसमें बॉनेट ये लेवल पर आप यहाँ पर तो आपको पूरा बॉनेट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मतलब मुझे तो पूरा रोड दिख रहा है और दिख रहा है कि कहीं पे शायद छोटा बॉनेट है कुछ वैसे कहाँ नहीं है वैसे दूसरी गाड़ियों में पूरा बॉनेट दिखता है फिर दिखते अच्छा सड़क कहाँ है ये कहाँ है यहाँ पे आपको सब दिख रहा है इंक्लूडिंग द होल बॉनेट तो जो इस गाड़ी में बैठने का मजा है ना वो आपको कोई और गाड़ी शायद ही मुश्किल से दे पाएगी इसकी ए भी बहुत पावरफुल है फॉर माई सरप्राइज तो तीन चीज़ों ने मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज किया पहला इसका इंजन नॉइज़ जो कैबिन के अंदर है बहुत मिनिमल है यानी कि इसका ओवरऑल इंसुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त है तो ये चीज़ मैंने इसमें एक्सपेक्ट नहीं की थी तो ये है दूसरा आ, जो इसका ए ए है वो काफ़ी ज़बरदस्त है मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट दिस क्वालिटी एसी इन दिस कार तो ये सेकंड मेरा लर्निंग था एंड थर्ड मेरा एक्सपेक्टेशन था कि गाड़ी के अंदर वाइब्रेशंस बहुत रहने वाली है तो वो भी बिल्कुल कहानी नहीं है इनफैक्ट इसकी जो लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन है बहुत ही मिनिमल है खाली मेरे को गियर लेवर में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन महसूस होते हैं उसके अलावा कहीं पर भी कोई वाइब्रेशन का फील है ही नहीं सो so, ये सारी चीज़ें क्लियरली इस गाड़ी के फेवर में जाती है एंड इट इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव 1.5 लीटर का डीजल इंजन है 75 ब्रेक हॉर्स पार बनाता है अगर आप सिर्फ ये सब क्राइटेरिया देख के पेपर पे देखेंगे बोलेंगे यार पावर ही नहीं है मैं भी बोलूंगा यार पावर नहीं है बस इतना 75 फाइव ब्रेक हाउस पास बट जब आप इसे चलाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये गाड़ी क्या जबरदस्त है अब मैं आपको एक और एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जो इस गाड़ी का टॉर्क है ना देखो अब मैं गाड़ी यहाँ रोक देता हूँ सड़क के बीचों बीच ठीक है पूरी तरह से रोक दी मैंने गाड़ी इसको जीरो पे आ गया थर्ड गियर में डाला और इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा आराम से उठ गई मतलब कुछ लगा ही नहीं कि यार मेहनत हो गई बहुत ज़्यादा खींचना पड़ा कुछ भी नहीं तो तीसरे गियर में गाड़ी उड़ गई जीरो की स्पीड से उनका कहना है बोलेरो ओनर्स का कि वो गाड़ी चौथे पाँचवें गियर में भी उठाते हैं बट मेरे हिसाब से तीसरे में भी उठना इज़ अ बिग पॉइंट इन एट तो चलाने में गाड़ी बहुत अच्छी है पावर अच्छा है राइड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी है आप कैसे भी सड़क पर चला लो भाई फ़र्क पड़ता ही नहीं है मिट्टी में चलाओ पानी उड़ाओ कुछ भी करो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस गाड़ी को और ये इसका सबसे बड़ी कहते हैं ना ताकत है तो आप मैंने इस गाड़ी को 100 120 तक चलाया कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि यार ये गाड़ी नर्वस है स्लो हो जाना चाहिए बिल्कुल नहीं एकदम आराम से गाड़ी चल के गई है हाँ देखिए ऊंची है गाड़ी तो थोड़ा बॉडी रोल तो रहेगा ही रहेगा पक्का रहता है हर गाड़ी जो लैडर फ्रेम पे बनाई जाती है जिसमें आपको ये सब चीज़ें दिया जाता है उसमें बॉडी रोल तो रहेगा बट चलाने का जो मजा है ना इस गाड़ी का जो ये व्यू मिलता है यहाँ का वो कोई और गाड़ी मेरे हिसाब से नहीं देती है इतना ज़बरदस्त तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को ये गाड़ी चलाने में इनफैक्ट जब से गाड़ी आई है मैं इसे रोज चला रहा हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी को इतना चलाने वाला हूँ एंड दैट इज़ वेन आई डिसाइडेड कि इसका रिव्यू तो बनता है तो बोलेरो ओनर को जो फील आता है गाड़ी चलाने में एक हफ्ते के अंदर ही मैं समझ गया हूँ कि उनको क्यों इस गाड़ी से इतना प्यार है एंड इट्स डेफिनेटली वंस ड्राइविंग वर्थ इट एक बार ट्राई करोगे ना आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वॉट इट ऑफर्स और जो इसके गियरिंग है वो काफ़ी स्मूथ है uh, गियर जो क्लच है एकदम लाइट है एंड गियर शिफ्ट गियर बॉक्स थोड़ा लंबा है जो दिया हुआ है थोड़े वाइब्रेशन है बहुत थोड़े है एक्चुअली ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें एंड जो कैबिन इंसुलेशन है एवरीथिंग इज़ फैंटेस्टिक अब माइलेज अगर आप जानना चाहते हैं तो ये लगभग आपको 12 से 16 के बीच में देगा डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हैं कहाँ चलाते हैं पर पिकअप uh, बहुत अच्छा है माइलेज में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि इंजन वन लीटर का है सो so, ये थी हमारी आज की कहानी अब सवाल ये उठता है कि बोलेरो गाड़ी किसके लिए सूटेबल है और किसके लिए नहीं ओके तो सवाल अब ये उठता है कि ये गाड़ी किसके लिए सूटेबल है करेक्ट अगर आप शहर में ही चलाते हो तो मुझे नहीं लगता आपको ये गाड़ी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप शहर और हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो तो अगर आपको स्वैग चाहिए तो ठीक है तो फेयर इनफ तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो डेफ़िनेटली वरना अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ख़राब रास्तों पर है आप सामान ले जाते हो या आपके गाड़ी में सात लोग बैठ के जाना है आई थिंक वहाँ पे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस आपके लिए बन जाती है हाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि भले ही आप सोचेंगे कि 75 फाइव ब्रेक हॉस्ट पावर है बट मोर देन सफिशेंट है आपके नॉर्मल ड्राइविंग के लिए पहाड़ पे चढ़ना है कहीं खराब रस्ते से जाना है कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी एक चीज़ इसका डाउनसाइड ये कि फीचर्स इसमें ज़्यादा नहीं आते और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपको बुलेरो नियो की तरफ या स्कॉर्पियो की तरफ अपग्रेड करना पड़ेगा वरना जो प्राइस पॉइंट पे आप ये गाड़ी देख रहे हैं और बजट आपका ज़्यादा नहीं है वहाँ पे बोलेरो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चॉइस बन जाती थी है एंड रहेगी हमेशा सो so, ये था हमारा आज का वीडियो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया हो काफ़ी लोगों ने बोलेरो पे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था इस वजह से मैं आपके लिए बोलेरो पे रिव्यू लाया हूँ मोर हमने बोलेरो नियो का असली टेस्ट भी आपके लिए कवर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आई एम गोइंग टू एनकरेज यू टू गो एंड चेक इट आउट राइट अवे लिंक आई बटन में छोड़िए अब इतना वीडियो देखा है गिव अ बिग लाइक एंड कुछ भी सवाल रहे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इनफैक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आपको कार बाइंग डाउट्स है तो आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ जाइए मोटरॉकटिन डॉट कॉम पर जाइए वहाँ पर कार कंसल्टेसन पर क्लिक कीजिए अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग इट्स एज सिंपल एज डैट और हाँ अगर आपने न्यू कार डिसाइड कर ली है तो हम आपके पैसे बचाने की कोशिश करेंगे ऑन इंश्योरेंस ऑल्सो तो न्यू कार या रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस दोनों पे चले जाइए मोटर ऑक्टेन डॉट कॉम स्लैश इंश्योरेंस वहाँ पर जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटेटिव प्राइस जिससे आपके पैसे बच सके अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर चैनल मिलेंगे कल फिर से एन ऑल न्यू वीडियो बाय गाइज